एवरीवन, फुरकान भाई आए हुए हैं इलाहाबाद से। आज यहाँ शौक चल रहा है, फाइनल मैच है 351 और 225 कबूतरों का। और बाकी इस तरफ जैसे कि रेफरी लोग बैठे हुए हैं, रेफरी हैं, अंपायर्स हैं, और ये ऊपर भिंडी खुली बैठी हुई है। आई फुरकान भाई आगे लोगों से मुलाकात करेंगे। 6 इसके छः हो गए 34 पे। बहुत बढ़िया, कैसा लग रहा है? भाई का शौक हल्का रह जाए नामुमकिन है, इंशाल्लाह जो है हक में वो खिलाऊंगा बेफिक्र। बिल्कुल कबूतर गिनना हुआ है। सलाम जी सर, शॉप कैसा चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है, क्योंकि भाई बहुत बढ़िया आदमी है। जो आपने किया 7 दिन में, इन्होंने हमारे साथ जैसा व्यवहार किया है बहुत बढ़िया व्यवहार किया है, और बहुत अच्छा आदमी है कुल मिला। 35 में शॉप बहुत साफ सुथरा, ईमानदारी है। 6 35 पे सही है सर। 6 6 नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल आदाब। माशाल्लाह काफी अच्छा शौक चल रहा है और हम सब भाई मेहनत कर रहे हैं और काफी अच्छा शौक चल रहा है। हमारे कयूम भाई भी मेहनत पे लगे हुए हैं, माशाल्लाह आशा है कि हम लोग जीत जाएंगे। काफी अच्छी मेहनत चल रही है, भाई सब भाई बच्चे कबूतर उड़ाते हैं, हम लोग सब मिलकर शौक करते हैं। और देखिए आप लोग भी दुआ करिएगा, काफी अच्छा शौक चल रहा है, फैसला हो जाएगा। गिर के उठना आज जी। किन से? कयूम भाई से कोई सीखे गिर के कैसे उठा जाता है। कल कबूतर उनका जो आया था वो उतर रहा था, तो आज जो कबूतर उड़ा डबल के राइट बॉल, हमें लगता है इंडिया में कोई उड़ा नहीं पाता, मैच कल कैंसिल हो जाता। ठीक है, भैया बड़ी मेहनत कर रहे हैं सुबह भैया, इंशाल्लाह बहुत अच्छा कबूतर कयूम भाई का उड़ रहा है और उड़ के अच्छा उतरेगा भी। हक में फैसला होगा भैया, हक में फैसला होगा, हक में बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग भाई, मैच देख कर। जी भैया मामू अस्सलाम वालेकुम भाई, धुआंधार बैटिंग चल रही है दोनों तरफ से, ईट से ईट टकरा रही है, माशाल्लाह दोनों तरफ के कबूतर बराबर से उड़ रहे हैं और बराबर का शौक हो रहा है प्यार मोहब्बत से। उधर जंग में शारिक भाई हैं और असलम भाई हैं, इधर मैं तलवार लेके अकेले हूँ, दोनों से लड़ रहा हूँ माशाल्लाह। अब इज्जत जिंदा देने वाला वो अल्लाह है, आज इंशाल्लाह हम फैसला होगा इंशाल्लाह। ये हमारे सलीम भाई हैं बालू अड्डा वाले, ये लखनऊ के पुराने शौकीनों में से एक हैं और बहुत ही पुराने उस्ताद भी कहे जाते हैं, खलीफा भी रहे अपनी पार्टी के। जी बताइए सलीम भाई, कैसा शौक चल रहा है? शौक माशाल्लाह बहुत बढ़िया चल रहा है, टेस्ट माशाल्लाह। हाँ, शौक माशाल्लाह बहुत बढ़िया चल रहा है। जी अभी 150 के ऊपर हैं, सौ मसल बहुत बढ़िया चल रहा है। आज हक में फैसला होगा, आज हक में फैसला होगा, फाइनल मैच है, जीते फाइनल मैच है। जी फुरकान भाई ये हैं आमिर भाई, ये अंपायर बन के आए हैं असलम भाई की तरफ से मुरादाबाद से, 225 की जो बाजी उड़ रही है। लीजिए भाई, शौक कैसा चल रहा है आपका? शौक बढ़िया चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और साफ सुथरे कबूतर उड़ रहे हैं? बिल्कुल बहुत बढ़िया माशाल्लाह, कोई किसी बीमारी नहीं? नहीं कुछ नहीं, सब बढ़िया लोग हैं माशाल्लाह से, कबूतर भी अच्छे बैठ रहे हैं। बाकी आज तो हम लोग के हक में फैसला हो रहा है, कैसा लग रहा है? वो तो देखो अभी पता चल जाएगा शाम को किसके हक में होता है किसके नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी वाला जानता है, हम अभी कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल बिल्कुल, और माशाल्लाह से कयूम भाई अच्छे आदमी है। थैंक यू सर। मामू हैं और यहाँ पे छत पे शौक भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, दिन रात इन लोग की मेहनत रहती है इनकी, समीर भाई की, और हमारे आमिर भाई जो हरदोई में जो यहाँ मौजूद नहीं है, भांजे हैं इनके, वो भी उनकी भी कमी खर खर ली है किसी काम की वजह से, वो नहीं आ पाए। जी मामू शौक कैसा चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम सभी भाइयों, यहाँ पे लखनऊ में उत्तर प्रदेश में कयूम मिर्ज़ा पहलवान साहब के कबूतरों का शौक हो रहा है। हम लोग सभी लोग बड़े शिद्दत से लगे हैं और अल्लाह ने चाहा
अल्लाह के हुजूर में था तो हम लोग जीत हासिल कर लेंगे और बहुत अच्छी जीत करेंगे इंशाल्लाह। और यही हमारी दुआ है सभी भाइयों से, सभी लोग बहुत दिल से लगे हुए हैं, आज काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं। हमारा भांजा है हरदोई से आमिर, वो भी बेचारा आ नहीं पाया लखनऊ किसी काम के कारण, वो भी फ़ोन पे अपडेट ले रहा है और अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह हमको कामयाबी दे। बाकी सही भाइयों का बहुत शुक्रिया। अच्छा मामू ये बता दीजिए कि आज हालात को देखते हुए जो लग रहा है कि हक में फैसला होगा, फाइनल मैच है। जिस दिन हमारा 7 तारीख को कबूतर उड़ा था उस दिन बहुत अच्छा उड़ा था और हमारा जो 9 तारीख का मैच था उसमें से थोड़ा सा कबूतर हमारा गड़बड़ हो गया था, अल्लाह का शुक्र है आज के दिन कबूतर भी हमारा बहुत बढ़िया उड़ रहा है तो अल्लाह चाहेगा बहुत अच्छा कामयाबी हासिल करेंगे हम आएंगे और पूरे हिंदुस्तान को कयूम भाई का नाम दिखेगा। और ये हमारे फुरकान भाई इलाहाबाद से जो टूपर हैं हमारे बीच में बहुत ही चाहते हैं और हम लोग हमेशा इनको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं और बेचारे इनके पास समय नहीं रहता है फिर भी हमारी आपकी मोहब्बत में ये हमारे को शौक कराते हैं, इलाहाबाद से लखनऊ आए हैं। हमारे इशू भाई इशू नायाब ये मतलब कि इनके कबूतर इतने फेमस हैं कि जिसकी हद में इनके पास सिर्फ मक्को कबूतर होते हैं जो कि कलरदार है, जिनके अंदर उड़ान भी मौजूद है आज के टाइम में। अब ये आए हैं, इनसे पूछा जाए कि आज का शौक कैसा चल रहा है, फाइनल मैच है आज, हक में फैसला होगा या नहीं होगा। सभी को क्या जाऊँ अस्सलाम भाई, और बिल्कुल हक में आएगा और कहीं मैं जीतेंगे अपना आए देखना। पहले और दूसरी उड़ान आ नहीं पाए थे लेकिन तीसरी उड़ान में हम टाइम मिला और बिल्कुल देखने आए हैं, अब अच्छा कबूतर उड़ भी रहा है और जीतेंगे पर बात। ये भाई अपने अब्दुल करीम भाई हैं, ये अपने अब्दुल करीम भाई हैं लखनऊ से, है ना, और ये भी बहुत बढ़िया शौकीन आदमी हैं। इनके जो उस्ताद हैं भाई, आपके उस्ताद का क्या नाम है? इलाहाबाद की बेहतर। आज का शौक देख के आपको यहाँ कैसा लगा? भाई आज का शौक तो बहुत बढ़िया है कयूम भाई का, और कयूम भाई लखनऊ के समझ लीजिए कि चैम्पियन खिलाड़ी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरा ये कि दिलेर आदमी है, किसी मौसम में कोई भी आ जाए उनसे शौक करने के लिए हर टाइम वो खड़े रहते हैं। लखनऊ की आन बान शान है कयूम भाई अपने, और उनका कोई जवाब ही नहीं है कबूतरबाजी के अंदर, और हम लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कयूम भाई से, जैसा कि हम लोग सीखते ही चले आ रहे हैं। अब हम लोग भी उड़ा रहे हैं, हमारे उस्ताद हालांकि समसाद भाई हैं इलाहाबाद के, अभी गर्मियों में हमने शौक किया, 4 मैच उड़ाए, चारों माशाल्लाह से जीते भी, और उनकी सरपरस्ती में ही कबूतर हमने उड़ाए। ये लीजिए भाई, एक कबूतर फिर से आ रहा है, 4:11 का समय हो रहा है, ये देखिए। अब इसके बाद 12-13 कबूतर और होंगे ऊपर। एकदम शाम का समय चल रहा है, देखिए कलक कर रहा है आगे नीचे एकदम डायरेक्ट। बनाते रहो बनाते रहो उनको साथ। ये देखिए कला कर क्या रहा है, ये देखिए कला, देखिए कला, देखिए स्टंट कर रहा है, ये आ गया। ग्रुप के सारे भाइयों को सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। ग्रुप के सारे भाई ठीक ठाक हैं भाई? जैसे कि आज मेरे 2 मैच थे, एक था 225 का असलम मेरठ से और एक था चमन बिली आलो से 350 का। इसे आप लोग देख ही रहे थे कि 2 दिन से सिर्फ खगेड़बाजी उन लोग कर रहे थे और मैच के बारे में जो है मैच होने नहीं दिया जाएगा। आज हमारी बढ़ोतरी जरूरत से ज़्यादा देख के उन लोग ने मैच को बंद कर दिया और वो मैच बंद हो गया। और दूसरा मैच हमारा असलम भाई से जो शाम तक के चला, जिसमें मैं कुछ घंटों से उनसे पीछे हो गया हूँ, और उनसे मैं अगर आज मेरा मैच होता तो कम से कम मैं 300 घंटों से आगे होता। बाकी बातें हमारे डॉक्टर साहब बताएंगे।
ग्रुप के सभी साथियों को सलाम वालेकुम। माशाल्लाह मैं मुरादाबाद से भाई तरफ से आया हूँ लखनऊ। अखिल भाई अच्छा शो हुआ है कि शायद मैंने अपनी लाइफ में इतना अच्छा इतना लंबा परवाज नहीं देखा है कि अंधेरे में कबूतर बैठ रहे हैं और अपने घर आ रहे हैं, बहुत अच्छा। और भाई कयूम ने हमारी बहुत मतलब खाने पीने का रहने सहने का हर बात का ध्यान रखा है और हमें किसी भी तरह की भाई कयूम से कोई भी शिकायत नहीं है। ये हम अपने दिल से और हम अपने अल्लाह से बोलते हैं कोई भी किसी तरह की भी भाई कयूम की तरह से परेशानी नहीं है। और भाई कयूम मेरे बड़े भाई जैसे हैं, बहुत बढ़िया इंसान, बहुत खुशिया इंसान और मैं चाहता हूँ कि हमेशा इसी सब भाई बटो भाई शौक हो रहा है, बहुत ही अच्छा शौक हुआ। इन्होंने 3 दिन का टूर्नामेंट पाया, ये उत्तर प्रदेश में शायद ही पहला ऐसा टूर्नामेंट होगा जिन्होंने 350 से 225 का टूर्नामेंट एक साथ उड़ाया और बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट लाया। आज हम लोग लखनऊ वालों को और पूरे उत्तर प्रदेश वालों को और पूरे भारत वालों को इनसे सीख लेनी चाहिए। कयूम भाई जैसा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत साफ सुथरा कबूतर उड़ाया है। जो छोटे बच्चे हैं जिन्होंने इतनी मेहनत की है, उन तमाम लखनऊ का निवासी होने के नाते उसको शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बहुत इंजॉय किया और कबूतरबाजी में बहुत कुछ सीखने को मिला। आगे की बात हमारे शक्कू भाई है वो भी बताएंगे। भाई मैं राजेश लखनऊ से और ये उड़ान देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा मैच हुआ और बहुत ही नेक टू नेक ये मैच चला है। पहले कयूम भाई कुछ घंटों से हार गए हैं लेकिन इन्होंने बहुत साफ सुथरा और बहुत अच्छा कबूतर उड़ाया है। और ये कयूम साहब आपका कयूम भाई के छोटे बेटे हैं अल्तमस साहब और इनकी बहुत मेहनत रही है माशाल्लाह और ये बहुत अच्छा बच्चे हैं। आप बोलिए कुछ। अस्सलाम वालेकुम ऑल ग्रुप मेंबर्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, सारे लोग कैसे हैं। हमें उम्मीद है कि सभी लोग बढ़िया से होंगे। कयूम भाई की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है और जितना बढ़िया कबूतर इन्होंने उड़ाया अपने लखनऊ में शायद ही किसी ने उड़ाया हो, है ना। तो हम तो इनको इंडिया किंग कहते ही हैं और ये इस लायक है भी। इन्होंने 351 कबूतरों का मैच उड़ा के जो रिकॉर्ड बनाया है उसका कोई जवाब नहीं है और ये मैच 351 कबूतर का हमारा लखनऊ जीता हुआ है। लेकिन वो कुछ डिस्प्यूट होने की वजह से उन्होंने हमारे रेफरियों के साथ जो है नागवार मतलब नाइंसाफी की और उनको जो है छत से नीचे उतार दिया, जिसकी वजह से टीम में डिस्प्यूट होने की वजह से ये मैच थोड़ा सा रद्द कर दिया गया। लेकिन ये वन साइडेड कयूम भाई जीते हुए मैच है। बाकी दूसरा मैच हमारा कितने कबूतरों का था? 225 कबूतरों का था। नाम क्या था? असलम भाई से था, मेरठ असलम भाई से। और उसमें से जो है नेक टू नेक फाइट होने के बाद भी कयूम भाई शायद कुछ घंटों से पीछे रह गए हमारे, लेकिन इनकी मेहनत हमेशा सराहनीय थी और सराहनीय रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। सभी लोगों को सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। हमारे जो कयूम भाई हैं लखनऊ के, लखनऊ की है ना, उन्होंने बहुत अच्छा उड़ाया और असलम भाई हमारे मेरा वाले उन्होंने भी अच्छा उड़ाया और वो जीते, उनको बहुत बहुत बधाई है ना। सबसे पहले हमारी तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और उसके बाद हमारे कयूम भाई को भी बधाई जो उन्होंने 3 दिन का मैच उड़ाया। और लगातार 3 दिन मैच उड़ाना कोई आसान बात नहीं है, बहुत बहुत ही मतलब एक जो है मेहनत है ना, और दूसरी चीज़ जो है लगन से 3 दिन उड़ाना बहुत बड़ी बात है हमारे लखनऊ वालों के लिए, है ना। तो सभी दोनों भाइयों को मैं अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूँ और ख़ासकर हमारे डॉक्टर साहब जो एक रेफर में आए थे मुरादाबाद से बहुत अच्छे इंसान है और बढ़िया से उन्होंने जो है अंपायरिंग किया यहाँ पर, 7 दिन की छुट्टी बढ़िया अंपायरिंग किया यहाँ पर। बहुत अच्छे ऐसे ही होना चाहिए, बहुत फ्री ऐसे ही होना चाहिए जो पढ़े लिखे और काबिल हो, है ना, जिन्हें कुछ आता हो वही रेफरी गिरी करना है। एनीथिंग कोई ना, है ना। तो हमारे जो कयूम भाई हैं और जो हमारे असलम भाई हैं उनको तहे दिल से एक बार फिर से मुबारकबाद, है ना। असलम भाई को खासकर मुबारकबाद इसलिए क्योंकि वो विजेता है और कयूम भाई को भी मुबारकबाद इसलिए क्योंकि वो खूब विजेता है, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू आपका भाई, आप लोगों को शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। सब अच्छे से निपट गया, जो अच्छे रेफरी होते हैं वो अच्छा करके जाते हैं, जो गंदे रेफरी होते हैं वो गंदा करके जाते हैं, भाग जाते हैं। जो जो आदमी जब हार की तरफ तगड़ की तरफ बढ़ता है तो वो ऐसी हरकतें करता है कि किसी भी तरह यूज किया जाए।
वही मैच चल रहा है, फाइनल भी वही मैच चल रहा था उनसे, यही अच्छे रन बन गया। अब वो जगह वाला मैच जो है शुरू से ही वो थोड़ा गड़बड़ चलता रहा, ये लोग दिख रहे हैं दो एक लड़के उसमें थोड़ी गलत बात कर रहे हैं। अयूब भाई ने बहुत समझाया, सबने बहुत समझाया, कुल मिला के वो मैच गड़बड़ ही रहा। और फिर वहाँ भी कुछ उनके बच्चों बच्चों का पर्स वर्स लाया हुआ है, पता नहीं क्या हुआ है, कुछ लगा हुआ है, वो बच्चे वहाँ से आ गए, हम वो बता रहे हैं धमकाया गया है हम लोग, पुलिस वाले बुला लिए, पुलिस वालों को बैठा के सब कहानी किससे किए गए यार। वही आज का जो फाइनल मैच था वो आपने देखा कि अब ये मुकम्मल हो चुका है, और फाइनल मैच में एक मैच जो है वो भी डिलेड रहा, डिलेड यहाँ पे डिलेड ड्यू टू रेन नहीं, डिलेड कुछ मिस्टेक्स की वजह से। अब ये है कि इंशाल्लाह आगे भी तैयारी रहेगी और आगे भी कई टूर्नामेंट और कई फुटबॉलबाजियों की तैयारी इंशाल्लाह कई मुकम्मल से रहेगी। और 225 का जो मैच था वो सच में नेक टू नेक फाइट थी, लेकिन अब ये है कि इंशाल्लाह आगे तैयारी है। आइए उस्ताद से पूछ लेते हैं कि आगे की तैयारी क्या रहेगी, इससे बड़ा मैच क्या देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इससे बड़ा मैच 351 से बड़ा मैच आगे देखने को मिलेगा कि नहीं? इंशाल्लाह जरूर मिलेगा, 501 कब दिखेगा। जैसे कि आप अभी भी देख सकते हैं कि इरादे जो है धीरे धीरे बड़े हैं और इंशाल्लाह आगे की तैयारी। बाकी हमारे फुरकान भाई इतनी दूर से हमारे लिए मेहनत करी, दिन भर वीडियो शूट करी, बेचारे बहुत देर तक हमारे साथ खड़े रहे, धूप में रहे, बड़ी मेहनत करी, थैंक्स अ लॉट। और हमारे आमिर भाई जो हैं हरदोई में हैं बेचारे, उनकी बहन की शादी है, वो भी नहीं आ पाए, ऑल इंडिया चैम्पियन भी हैं, लेकिन उनके लिए बस यही कहना चाहेंगे कि इंशाल्लाह अगली बार। हेलो नमस्ते, आप भाई की वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे फुरकान भाई को प्लीज़ सपोर्ट करिए, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत करेजियस पर्सन है अपने चैनल को। जो है यहाँ पर पूरी वीडियो दिखाई, 7 तारीख की दिखाई, 9 तारीख की हमने आपको लाइव में दिखा बता ही दिया था कौन जीता, और 11 तारीख की आप लोग के डिमांड पर हम यहाँ तक चल के आए दोबारा से, 250 किलोमीटर का जो हमने सफ़र किया आप लोगों के लिए। तो आप लोग जो है चैनल को लाइक करिए, मतलब वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक भाई। अब हम इसके बाद रात रुक के सुबह निकलेंगे रायबरेली, रायबरेली में जो है एक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होना है रात 8 बजे से 10 बजे तक, जो भाई वहाँ पर आना चाहता है वो आ सकता है, ठीक भाई। तो मिलेंगे फिर वहाँ पर, तब तक लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।